फॉर ऑल सीजन्स, बोलो के टीचर फॉर ऑल सीजन्स। जब भी टीचर शब्द सुनते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या फीलिंग्स आती है, क्या महसूस करते हो? होता है कोई टीचर तो तुम्हारे मस्तिष्क में क्या फीलिंग्स होता है? डू यू थिंक सी ही इज अ फ्रेंड एंड अ गाइड टू यू? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि टीचर का मतलब क्या है? तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई गाइड है, तुम्हारा कोई मार्गदर्शक है, तुम्हारा कोई हमदर्द है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है? In this poem, a teacher for all seasons, the poetess expresses gratitude to the teacher for being a truly perfect person suitable for all seasons. यहाँ पर जो poetess है, है ना, जिसने इस कविता को लिखी है, वो क्या है? वो express करती है, व्यक्त करती है अपने gratitude को, आभार प्रकट करती है टीचर के लिए। एक टीचर ही ऐसा व्यक्ति है जो हर सीजन में फिट बैठता है। कुछ लोग हर सीजन में फिट नहीं बैठते हैं। हमारे जो सिक्स सीजन्स हैं, सभी सीजन्स में एक टीचर ही एक ऐसा है जो सबके साथ सूट करता है। Now read the poem to know more about teacher। तो जब हम पोएम को पढ़ेंगे तो टीचर के बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी, ठीक है? अब हम लोग पढ़ते हैं, मैं उसका आपको बताता हूँ। A teacher is like spring who nurtures new green sprouts, encourages and leads them whenever they have doubts। ये चार लाइन का फर्स्ट स्टैंजा, चार लाइन का फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है? टीचर इज लाइक स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु। बसंत ऋतु क्या होता है? जब पेड़ में, पौधे में, है ना, कोमल कोमल नए पत्ते अंकुरित होते हैं। बसंत ऋतु में जब हम लोग सरस्वती पूजा करते हैं तो पेड़ में नए नए पत्ते आते हैं कि नहीं? अच्छे लगते हैं, कोमल लगते हैं कि नहीं, चमकदार लगते हैं कि नहीं? तो एक टीचर भी स्प्रिंग सीजन के समान होता है, बसंत ऋतु के समान होता है। क्यों? जिस तरह बसंत ऋतु में पेड़ के जो नए अंकुरित होते हैं पत्तों, उनका देखभाल, नर्चर मतलब देखभाल करना, परवरिश करना बसंत ऋतु करता है, ठीक उसी प्रकार एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का देखभाल करता है, परवरिश करता है, encourage उसे प्रोत्साहित करता है, motivate करता है आगे बढ़ने के लिए। जब भी तुम उदास हो जाते हो, हम लोग motivate करते हैं आगे बढ़ना है। leads them, तुम्हें lead करते हैं हम लोग, तुम्हारा मार्गदर्शक बनते हैं, तुम्हें अच्छे रास्ते में ले जाते हैं, तुम्हारा नेतृत्व करते हैं। whenever they have doubt, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा डाउट आ जाए जहां पर तुम दुविधा में पड़ जाते हो, तो हम लोग क्या करते हैं? उस डाउट्स को क्लियर करते हैं। समझ में आया? तो टीचर कैसा होता है? स्प्रिंग सीजन जैसा होता है, बसंत ऋतु जैसे होते हैं, नर्चर्स करते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड में क्या कह रहा है? टीचर इज लाइक समर हूज सनी टेंपरामेंट मेक्स स्टडी प्लेजर प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट। ये दिया सेकंड स्टैंडर्ड में। क्या कह रहा है? टीचर स्प्रिंग तो है ही, समर भी है। समर मतलब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का सीन। ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या हुआ कि जब बादल चारों तरफ हमेशा छाए रहते हैं, उदास रहता मन, जैसे ही सूरज के किरण अपनी, है ना, रोशनी को बिखेरने लगती है तो हमें अच्छा लगता ही नहीं। उसी तरह शिक्षक भी समर के समान, ग्रीष्म ऋतु के समान अपने बच्चों के बीच मैक्स क्या करता है? सनी टेम्परामेंट, पॉजिटिव एनर्जी डालता है टीचर। बच्चे के दिमाग में, मस्तिष्क में अगर निगेटिव है, निगेटिविटी है, तो उसे हम लोग दूर करते हैं और क्या डालते हैं? पॉजिटिविटी डालते हैं। सनी टेम्परामेंट मैक्स स्टडी प्लेजर। हम लोग जो पढ़ाते हैं आपको, बड़ा आनंददायी तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोग पढ़ाते हैं तो आपको बहुत मजा आता है। प्रिवेंटिंग डिसकंटेंट, और आपको जो भी उदासी बोरिंग लगती, उस बोरिंग को हम लोग खत्म करते हैं। ओके, अब थर्ड स्टैंजा। पहले हम लोग स्प्रिंग के समान देखा टीचर को, फिर हमने समर के समान देखा। थर्ड स्टैंजा, ए टीचर इज लाइक फॉल, ए टीचर इज लाइक फॉल विद मेथड्स क्रिस्प एंड क्लियर लेसंस ऑफ ब्राइट कलर्स एंड ए हैप्पी एटमॉस्फेयर। फॉल का मतलब क्या है?
ऑटम सीजन, जब पेड़ से पत्तियां गिरते हैं, तो टीचर ऑटम सीजन के जैसा भी है। क्यों है? क्योंकि विद मेथड ऑफ स्पीच एंड क्लियर लेसन ऑफ ब्राइट कलर्स, जो भी टीचर बताता है बिल्कुल क्लियर कट बताता है, कहीं भी कोई डाउट नहीं रह जाता है। एंड ए हैप्पी एटमॉस्फेयर, और एक अच्छा वातावरण, खुशनुमा वातावरण टीचर बना देता है। ठीक है, ऑटम के समान भी है। अब कह रहा है टीचर इज लाइक ए विंटर। विंटर मतलब ठंड का दिन। ए टीचर इज लाइक ए विंटर, टीचर विंटर सीजन जैसा भी है। स्प्रिंग तो था, उसके बाद समर भी था, हमने पढ़ा अभी, और उसके बाद हमने ऑटम भी उसको देखा, वो भी था, और अभी विंटर भी हो गया। क्यों? व्हाइल स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, कीपिंग स्टूडेंट्स कंफर्टेबल इज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड। ठंड के दिन में पानी जम जाता, बर्फ बन जाता, कठोर बन जाता। इसी तरह बच्चे भी जब बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, तो शिक्षक ही बाहरी दुनिया से उसको जोड़ता है, और बाहरी दुनिया से जोड़कर उसे जीवन के हाथ को बताता है, उसे आर्ट ऑफ लिविंग बताता है, उसे जीवन जीने की कला बताता है। तो शिक्षा के साथ साथ विद्या के सारे गुण कौन देता है? टीचर देता है। लास्ट में क्या बोला जा रहा है? टीचर यू डू ऑल दिस थिंग्स विद ए प्लीजेंट एटीट्यूड, यू आर टीचर फॉर ऑल सीजंस एंड यू हैव माय ग्रेटिट्यूड। क्या कह रही कविता लास्ट में? टीचर यू डू ऑल दिस थिंग्स, टीचर आप सभी चीज हमारे लिए करते हो, आप स्प्रिंग हो हमारे लिए, आप समर हो हमारे लिए, आप ऑटम हो हमारे लिए, आप विंटर हो हमारे लिए, और इसलिए आपका जो प्रेजेंट एटीट्यूड है हमारे प्रति, उसके लिए यू आर टीचर फॉर ऑल सीजंस। और चूंकि आप सभी सीजन के हमारे टीचर हो, सभी में आप फिट बैठते हो, सभी में आप हमारे गाइड हो, हमारे फ्रेंड हो, इसलिए मैं मेरा ग्रेटिट्यूड जो है आभार आपको व्यक्त करती हूँ।